हाँ तो फ्रेंड, आप सभी का स्वागत है चेंज लाइफ हब चैनल में। अब की बार बीटीसी डीएलएड पर। तो मैंने आपको पहली क्लास में जो है कि 1 से लेकर 30 तक के क्वेश्चन आपको बताए थे, तो इस क्लास में आपको आगे के क्वेश्चन बताएंगे। और इससे पहले मैं आपको बता दूँ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे जो है कि क्विज का, जो कि कंप्यूटर का मॉक टेस्ट का जो है कि लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ पे जाके जो है कि मॉक टेस्ट जो है कि वहाँ से भी आप दे सकते हैं। और यहाँ पे भी आपको सारे क्वेश्चन मिलेंगे। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है जो है कि बीटीसी के लिए, और ये काफ़ी बार जो है कि एग्जाम में पूछे गए हैं, तो इसीलिए मैंने आप ये बनाया है। तो इसको आप तैयार कर लीजिए, जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए हम क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो आज का जो कि पहला क्वेश्चन है, इससे पहले मैंने क्लास में भी दे दिया था, आप प्लेलिस्ट में जाके वहाँ से आप देख सकते हैं, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो अगला क्वेश्चन चलिए मैं स्टार्ट करता हूँ। निम्नलिखित है कौन सोशल मीडिया वेबसाइट नहीं है? तो सोशल मीडिया वेबसाइट आपको पता है कौन कौन सी है? आरकोट, फेसबुक, गूगल प्लस, जीमेल, तो कौन सी है? तो चलिए जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर हो जाएगा जीमेल। आप चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेबसाइट नाम में HTTP क्या है? यानी कि आप देखे होंगे वेबसाइट जब ओपन करते हैं वहाँ पे HTTP HTTPS लिखा, तो उसका क्या क्या अर्थ होता है? तो टॉप लेवल डोमेन, होस्ट, प्रोटोकॉल, वेबसाइट का नाम। तो ये क्या होता है? एक प्रकार का ये होता है प्रोटोकॉल। तो इसका आंसर हो जाएगा प्रोटोकॉल। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? तो इसमें बताइए किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? सिलिरोन, ड्यूल कोर, i7, एंड्रॉइड। तो इसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? आपको अब देख के ही पता चल गया होगा कौन सा आंसर होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। एंड्रॉइड, ये एंड्रॉइड फोन होता है, कंप्यूटर का प्रोसेसर नहीं होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डिवाइस जो कंप्यूटर को आपके साथ कम्युनिकेट करने देते हैं उन्हें क्या कहते हैं? जो कोई डिवाइस है कंप्यूटर से आपके कम्युनिकेशन के लिए होता है यूज, उसका क्या उपयोग है? तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, कौन सी डिवाइस है? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, हाई लेवल डिवाइस, छोटी डिवाइस। तो कौन सी डिवाइस हो जाएगी? आउटपुट डिवाइस। क्या हो जाएगी? आउटपुट डिवाइस। चलिए अगला क्वेश्चन, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली टाइपिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है? सबसे ज्यादा प्रयोग में आने वाली टाइपिंग इनपुट डिवाइस कौन सी है, जल्दी बताइए। जोस्टिक, माउस, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा हो जाएगा बताइए? माउस। क्या हो जाएगा? माउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। मॉनिटर के डिस्प्ले आकार कैसे मापा जाता है? मॉनिटर के डिस्प्ले आकार को कैसे मापा जाता है? हॉरिजेंटली, वर्टिकली, डायगोनली, उपयुक्त सभी। इसका आंसर जल्दी कमेंट बॉक्स में आप दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा डायगोनली। अगला क्वेश्चन देखते हैं। और सर्वाधिक सामान्य इनपुट डिवाइस है क्या है? कीबोर्ड, माउस, उपयुक्त दोनों, मॉनिटर। तो इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों, यानी कि कीबोर्ड और माउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। अल्ट, शिफ्ट और कंट्रोल को क्या कहते हैं? यानी कि कंट्रोल, शिफ्ट और अल्ट को क्या कहते हैं? इससे पहले भी वीडियो में मैंने एक क्वेश्चन लाए थे, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, एडिटर की, मॉडिफायर की, फाइंडर की, कंट्रोलर की। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? मॉडिफायर की, मॉडिफिकेशन करने के लिए होता है। अगला क्वेश्चन, माउस का प्रकार बताओ। माउस का कौन सा प्रकार है? ऑप्टिकल माउस, मैकेनिकल माउस, ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस, इनमें से कोई नहीं। तो जो है कि आपको पता है इसमें से दोनों हो जाएगा ऑप्टिकल मैकेनिकल माउस। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरियल डाटा प्रवेश कराता है। कंप्यूटर सिस्टम के माध्यम से टेक्स्ट और न्यूमेरियल डाटा प्रवेश कराता है। माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, उपयुक्त सभी।
जल्दी से आंसर दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर है कौन सा प्रिंटर है? सर्वाधिक तेज गति का प्रिंटर, लाइनर प्रिंटर, डॉट मैट्रिक प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, कौन सा है बताइए? इसका आंसर हो जाएगा लेजर प्रिंटर। कौन सा है? लेजर प्रिंटर। अगला क्वेश्चन, कंप्यूटर के कीबोर्ड में F से प्रयोग होने वाले फंक्शनल बटनों की संख्या कितनी होती है? आपने देखा होगा F1, F2, F3, F4, यानी फंक्शनल कीबोर्ड कौन कौन से हैं, कितने होती है? 10, 11, 12, 30, कितने होती है? आपको याद होगा, ऐसे बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आंसर हो जाएगा 12, यानी 12। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डाटा इनपुट करने के लिए बार बार प्रयोग में आने वाली हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? डाटा इनपुट करने के लिए कई बार प्रयोग में आने वाला हार्डवेयर का भाग क्या कहलाता है? तो क्या हो जाएगा? कीबोर्ड, माउस, डाटा केबल या मॉनिटर? इसका आंसर बताइए। इसका आंसर हो जाएगा कीबोर्ड। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्कैनर स्कैन करता है, स्कैनर क्या स्कैन करता है? पिक्चर्स और टेक्स्ट, पिक्चर और टेक्स्ट। अगला क्वेश्चन, ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज देखने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है क्या है? ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी देखने के लिए यूज की जाने वाली माउस टेक्निक है क्या है? राइट क्लिकिंग। क्या है? राइट क्लिकिंग, नहीं राइट क्लिक करके हम देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, डॉक्यूमेंट की हार्ड कॉपी की जाती है, क्या की जाती है? कंप्यूटर में सेव करके, प्रिंट पर प्रिंट, इंटरनेट पर अपलोड, उपयुक्त सभी। इसका आंसर बताइए जल्दी। तो प्रिंटर पर प्रिंट, इसका राइट आंसर प्रिंटर पर प्रिंट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उस कुंजी को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर की मेमोरी से सूचना और स्क्रीन करेक्टर को इरेज कर देती है? उस कुंजी को क्या कहते हैं, उस की को क्या कहते हैं जो कि जो कुछ भी लिखा होता है उसको मिटा देती है, इरेज कर देती है? डिलीट कुंडी। क्या होती है? डिलीट कुंजी। राइट आंसर डिलीट कुंजी। अगला क्वेश्चन, सीपीयू में सी का पूरा रूप क्या है? सी का पूरा रूप क्या है? जल्दी आंसर बताइए। सेंट्रल, यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू का पूरा फुल फॉर्म है। अगला क्वेश्चन, कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? कौन सी डिवाइस प्रोग्राम और डाटा के बीच का अंतर समझ सकती है? इसका राइट आंसर बताइए, आउटपुट डिवाइस या मेमोरी या इनपुट डिवाइस या माइक्रो प्रोसेसर, कौन सी है? माइक्रो प्रोसेसर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, तो ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर, कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी क्या होती है? भीतरी। क्या होती है? भीतरी। अगला क्वेश्चन, विंडोज यमी में यमी से क्या संबंध बनता है? जल्दी बताइए, इससे पहले पहले क्लास में भी मैं एक क्वेश्चन बताया था, काफी इंपॉर्टेंट है। मिलेनियम क्या है? मिलेनियम, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, रैम किस तरह की मेमोरी है? रैम किस तरह की मेमोरी है? जल्दी बताइए, भीतरी या बाहरी या सहायक या मुख्य? जल्दी बताइए, मुख्य। इसका आंसर हो जाएगा मुख्य। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेसरीज जिस स्थान पर सिस्टम यूनिट से जुड़ते हैं उसे क्या कहते हैं? बस, पोर्ट, एस, रिंग। बता दूं आपको, ये भी क्वेश्चन आया था,
पिछले क्लास के में देख लीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट। क्या हो जाएगा? पोर्ट। अगला क्वेश्चन, इथरनेट संबंधित है किससे है? जल्दी बताइए। लैन से। अगला क्वेश्चन, कंट्रोल शिफ्ट और अल्ट को कौन सी कुंजी कहते हैं? इसका भी आंसर पिछली क्लास में आपको बताया गया था, जो भी लोग देखे होंगे उनको ये पता होगा। जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। अल्फा न्यूमेरिक। क्या है? अल्फा न्यूमेरिक। अगला क्वेश्चन, ओसीआर का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजिंग। इन्फॉर्मेशन का सिलेक्शन क्या है? इन्फॉर्मेशन का सिलेक्शन क्या है? आंसर हो जाएगा फाइल। क्या हो जाएगा? फाइल। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट डिवाइस नहीं है? जल्दी से इसका आंसर बताइए। टच स्क्रीन। अगला क्वेश्चन, जल्दी जल्दी से कंप्लीट कर लीजिए। इंस्ट्रक्शनों के उस समूह को क्या कहते हैं जो कंप्यूटर को बताता है कि क्या करना है? इसका आंसर राइट हो जाएगा प्रोग्राम। प्रोग्राम से ही पता चलता है कंप्यूटर को क्या करना है। अगला क्वेश्चन, प्रोसेसिंग के तीन प्रमुख भाग है कौन कौन से हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर। तो ये क्लास आज यहीं तक। और मैं आपको बता दूं, इसके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से क्विज देख सकते हैं। वहां से भी आप जो कि आप उसको आंसर दे सकते हैं। तो आज की क्लास आपके लिए काफी महत्वपूर्ण थी। चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा लीजिए, जिससे कि जब भी मैं नया वीडियो लाऊंगा तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। यह वीडियो आपके लिए काफी इम्पोर्टेंट है। थैंक यू माय फ्रेंड। थैंक यू।